मेक्सिको में महसूस किए गए 7.2 तीव्रता के भूकंप के झटके। ओक्साका में प्रशांत तट के करीब जमीन में 43 किलोमीटर अंदर था भूकंप का केंद्र। भूकंप से अभी तक नहीं है किसी नुकसान की खबर। चीन के यूनान प्रांत में एक पटाखा विस्फोट, विस्फोट में 4 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल। विस्फोट के कारणों की जा रही है जांच। चीन के 400 शहरों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध होने के बावजूद वसंतोत्सव के लिए उपलब्ध थे पटाखे। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ देवबंद का फतवा, गैर मर्दों से चूड़ी पहनने को बताया गैर इस्लामिक। फतवे में कहा गया है कि जो महिलाएं बाजार में पराए मर्दों के हाथों से चूड़ियां पहनती हैं वो गुनाह है। गुरुग्राम में प्रिंस हत्याकांड मामला, सीबीआई कोर्ट में भोलू की याचिकाओं पर होगी बहस। आज सौंपी जाएगी गवाहों की लिस्ट। 28 फरवरी को आरोपी के खिलाफ किए जाएंगे आरोप तय। लखनऊ में राज्य स्तरीय प्रादेशिक फल और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। प्रदर्शनी का समापन 18 फरवरी को यूपी के राज्यपाल राम नाईक करेंगे। और हिमाचल में मौसम विभाग ने एक बार फिर दी चेतावनी, कहा आज से कई इलाकों में बढ़ सकती है ठंड और 21 फरवरी से कई इलाकों में हो सकती है बारिश।